Uh, 1987 जूनियर नेशनल्स फाइनल मैं पंजाब के गौरव भाटिया के साथ खेल रहा था वो एक ऐसा माहौल है मतलब जो आज भी मेरे को देते हैं मेरा पेरेंट्स मेरे लिए जो किया है मैं बता नहीं सकता मैं बचपन में काफी शरारती था तो सेकेंड गेम आल्सो सेकेंड गेम वेरी क्लोजली बहुत सारी बातें एक एपिसोड में समेटना मुश्किल होता है और इसीलिए हमने दीपांकर भट्टाचार्य एपिसोड दो तरीके से आपको दिखाने का निश्चय किया था तो चलिए दूसरे एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं दीपांकर भट्टाचार्य से हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स वंस अगेन थैंक यू अपने गली मोहल्ले में खेलना उसके बाद स्कूल में कॉलेजेस में खेलना उसके बाद स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करना उसके बाद फिर अपने शहर के लिए खेलना उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टे जो है कि स्टेट के लिए खेलना और फिर देश के लिए खेलना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाता है इंसान और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सबसे खुशी की बात तब होती है जब हम अपने देश के लिए खेलते हैं देश से बाहर जाकर यानी कि हाँ। ऐसा इंटरनेशनल इवेंट जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हर एक स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा लालायित होता है जैसे कि ओलंपिक्स जी हाँ। और खुशनसीबे से आपने दो बार ओलंपिक पार्टिसिपेट किया है जी हाँ। तो कैसा था अनुभव ओलंपिक्स में आपका पहली बार जब मैं 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक्स के लिए आ, सिलेक्ट हुआ जी पहली बात तो यह है कि आ, अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा सम्मान सन, मेरे को मिला है और आ,

नॉट ओनली बैडमिंटन तब mm -hmm. हम एक कोचिंग कैम्प में थे mm -hmm. तो उसमें अदर स्पोर्ट्स भी थे हॉकी का प्रिपरेशन चल रहा था mm -hmm. फिर एथलेटिक्स uh, का प्रिपरेशन चल रहा था mm -hmm. तो वो माहौल कि सब स्पोर्ट्स पर्सन डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन के साथ mm -hmm. एक साथ बैठ के खाना खाना okay. एक साथ बैठ के थोड़ा मौज मस्ती करना mm -hmm. वो फीलिंग एंड देन वी ऑल गो फ्लाई टुगेदर टू बार्सिलोना दैट फीलिंग मुझे याद है हम रात को बारह बार्सिलोना पहुंचे थे तो okay. uh, <laughs> okay. so, फिर हम एयरक्राफ्ट से निकले तो दूसरे गेट से देख रहे हैं, जर्मन टीम निकले हाँ oh, तो uh, फिर और थोड़ा आगे गए तो देखे की और एक किसी देश से टीम आए तो एंड <coughs> uh, हमारे लिए हम, हमको स्वागत करने के लिए uh, उनके वॉल्टियर्स लोग दे देर रेडी फॉर अस एंड देन दे मतलब बस बसेस थे देन दे टू द विलेज एंड एंड्रेडिटेशन हुआ करेक्ट फिर देन वी वेड शोड आवर अपार्टमेंट्स कहाँ हमको रुकना है okay. फिर मेरे को याद है तब रात को तीन बज रहा था तो आप बहुत जोर से भूख लगा <laughs> रात को देन वी वी थॉट विल गो एंड हैव समथिंग तो हम लोग एक कम्युनिटी बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट आई मीन ये फूड फूड जॉइंट आई मीन वहाँ में हम लोग गए तो वी हैड अ फूड एंड आने के टाइम में आई वाज आई थॉट ऑफ कैरिंग सम फ्रूट जूस एंड समथिंग फॉर द रूम सो वहाँ में एक वॉलंटियर बोला सर यू डोंट नीड टू कैरी एनी थिंग आवर आवर फूड जॉइंट इज ओपन ट्वेंटी जस्ट ट्वेंटी आवर्स अ डेट

तो ऐसा करते करते मतलब नेक्स्ट डे वॉज अ रियल एक्साइटिंग डे मतलब देन वी वेंट फॉर सर्चिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन विलेज सिनेमा हॉल्स थिएटर्स देन लाइब्रेरीज़ लाइब्रेरीजार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज एंड सो Uh, किसी मैच के लिए प्रिपेयर करने के लिए जैसे कि आपने अभी कहा कि आपको भूख लगी थी <laughs> तो खाने <laughs> का कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन <laughs> किसी मैच के लिए प्रिपेयर करने से पहले uh -huh. मेरे ख्याल से यू शुड हैव ग्रेट एंड गुड कंट्रोल ओवर यूर ऑल एक्टिविटीज आई नो एज माई नॉलेज सो वॉट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू यूज टू डू वेन एवर यूज टू गो फॉर सम पर्टिकुलर मैच फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट वन आई यूज टू गो फॉर द टूर्नामेंट आई यूज टू चूज अ प्लेस टू स्टे आई वुड प्रेफर टू स्टे अ लिटिल सेपरेटलीथ द पर्सन आई एम क्लोज टू इन द टीम ओके सो मोस्ट ऑफ माई नेशनल तीन बार मैंने नैशनल चैम्पियनशिप जीता है आई स्टेड विथ मिस्टर दम्बोधर दास फ्रॉम असाम ओके ही ऑलवेज यूज टू बी विथ मी ओके सो एंड ही अंडरस्टूड मी मेरा कुछ जरूरत पड़ने से ही यूज टू हेल्प मी आउट ही वॉज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टू मी मिस्टर दम्बोदर दास सो मैं टीम से थोड़ा अलग रहता था बिकॉज आई आई थाट मेरा वेज थोड़ा अलग हो अलग है करेक्ट बिकॉज आई नीड मोर कॉन्सेंट्रेशन आई नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी मैच करेक्ट तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डू देन आई यूज टू द फिक्चर की मेरा फिक्सर किसके साथ है फर्स्ट राउंड किसके साथ है सेकेंड राउंड किसके साथ टाइम में है टाइम अकॉर्डिंगली फिर मैं रूटीन में सेट करता था फिर फर्स्ट राउंड आई यूज टू नेवर टेक एनी राउंड लाइटली ईच एंड एवरी राउंड वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी ऐसा होता है कि यू नो कोई इजी प्लेयर है तो यू टेन टू टेक लाइटली यू जस्ट वॉन्ट टू फुलट टू फिनिश इट As early as possible, come out of the court okay. as early as possible. Finish it if it is love, love game. Mm -hmm. I used to come out of the court as early as possible okay. to save energy for my next mm -hmm. match. Okay. Then, before every match, I had a set uh, routine. Mm -hmm. Like first, I will have my lunch very early. Mm -hmm. Then I will have a light lunch. I will not go for masala foods. Okay, that is one thing. Then I'll uh, rest for almost. One and half to to hours. Okay. Okay. Okay Then Then I'll get up and do some treatment. So when you play, mm -hmm. se hote hai. physical okay. fomentation. Okay. Mm -hmm. I used बैग को मैं रेडी करता था की कितना टी शर्ट चाहिए होगा कितना रैकेट रैकेट का स्ट्रिंग्स ठीक है कि नहीं ग्रिप्स ठीक है कि नहीं बैग को ठीक करना

होता है नॉर्मली लोगों की जिंदगी में कि कोई मैच चल रहा है कोई अच्छा आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेल रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं मे बी ड्यूरिंग यूर प्रिपरेशन बिफोर द मैच राइट सपोज समी डिस्टर्ब्स यू और सम अनयूजल डिस्टर्बेंस कम्स इट डिट है कुछ ऐसी बात है एक इंसिडेंट ऐसा है हुआ था इन स्विटरलैंड ओके आई वेंट फॉर द स्विस ओपन स्विस ओपन में मैं एक्चुअली uh, हमारे पास जो रूटीन मतलब ये जो ये दिया हुआ था मतलब डेट दिया हुआ था वी थॉट दैट द डे वी रीच इट वॉज उसके बाद एक दिन गैप है उसके बाद मैच शुरू oh, हो रहा correct, है correct, yes, ऐसा हमारा मानना था mm -hmm. तो टूडे वी रीच इन द इवनिंग नेक्स्ट डे वी वेंट टू द स्टेडियम

Please give me some time. I mm will -hmm. just go run and uh, get my kit mm -hmm. and I will just get into the court. Okay. So then he uh, accepted it mm -hmm. and immediately provided me with a vehicle. Okay. I went, just <laughs> dumped everything in my <laughs> okay. bag and came and just without any warm up I entered right, the court. Yes. Mm -hmm. I was playing a Chinese and one of very, uh, very strong Chinese player. Mm -hmm. Without warm up, your body is not ready.

तो मतलब प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस नहीं वार्म नहीं हाँ, से, से ये सब बातें होती ये सब बातें होती है ऐसा भी होता है uh, सर आपसे पूछना चाहेंगे हम जैसे कि इन्होंने uh, अपने एक फ्रेंड का नाम लिया जो आसाम से इनको हमेशा साथ देते आए हैं uh, जहाँ जाइए रहे जहाँ रूम में इनको काफ़ी हेल्प भी किया ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मे बी हिज फैमिली मेम्बर्स मे बी अदर पीपल हु आर एसोसिएटेड विथ योर फैमिली असोशिएटेड विद एसोसिएटेड विथ यू एज अ फ्रेंड एज अ मे बी एज एनी बडी सो हु ऑलवेज एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट इनकरेजड हिम कुछ अलग तरीके से उनका एटीट्यूड रहा होगा कुछ ऐसा माहौल रहा क्या आपके दीपांकर के लाइफ में तो इसका खिला के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन लम्बो दास ओके हु ऑल अलोंग थ्रू लाइफ हेल्प्ड इन ऑल रेस्पेक्ट्स तो वेन ही वाइंग टू Mm, England. Mm -hmm. So at that time, Mr. Nipen the then Secretary of the Badminton Association, okay, okay. Mm -hmm. uh, helped me in uh, collecting money from these um, different companies. Okay. Okay. Uh, and uh, it was a very great help at that okay. time. Mm -hmm. So at the very starting, I got cooperation help from. Um, ma, the, the then secretary of the irrigation department, mm -hmm. who was very much interested in games. I said. So, when he went to um, England, mm -hmm. so at that time Mr. Uh, Nipen Burwat, the then secretary of the badminton association, okay, okay. Mm -hmm. uh, helped me in uh, collecting money from. हार्डवर्क um, okay, okay. Uh, uh, okay. mm -hmm. के साथ साथ मतलब जो है कि किसी का गाइडेंस मार्गदर्शन प्रॉपर होने से ज्यादा अच्छा होता है right. लेकिन दीपांकर जी एक बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रैक से हट के पूछना चाहता हूँ हर यंग आदमी को एक नौजवान को किसी न किसी चीज़ का टेम्पटेशन जरूर होता है <laughs> <laughs> जब यंग एज में जैसे पहुंचता है <laughs> टेम्पटेशन बहुत तरह के होते हैं <laughs> जैसे यंग है <laughs> तो ज्यादातर लड़कियों के साथ बातचीत करना मिलना या उनके तरफ अट्रैक्ट होना <laughs> या कपड़ों लट, कपड़े लत्तों की बातें या गैजेट्स या <laughs> कुछ खरीदारी करना या कुछ यहाँ घूमना वहां घूमना ये जो टेम्पटेशन होते थे डिड यू हैव एनी थिंग काइंड ऑफ दिस इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू ओवरकम वॉट एग्जैक्टली कैसे था वो

क्योंकि आई वॉज माई पेरेंट्स ऑल द टाइम मतलब दे आर गाइडिंग मी करेक्ट बट एज यू से अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन इफ यू आर टू अचीव स्टार्ट एन

So, uh, another point was that uh, that they say that the guy has to propose first. Right? That is what. कहते हैं कि भावरा जो होता है वो फूलों की तरफ जाता है फूल भावरा की तरफ नहीं आता है तो मैं as a means it was for me to propose. Mm -hmm. Although you know the other side I could see some attraction from the other side but मेरे में ये था कि refusal का बहुत बड़ा डर था डर था ऑलवेज सो कोई मैच ऐसा जिसमें hmm. उसके बाद क्या कभी ऐसा होता था कि मैं इसको अंधविश्वास एग्जैक्टली exactly नहीं कहूंगा hmm. बट क्या आप मानते हैं कि उस मैच में पहना हुआ टी शर्ट या उस मैच में पहना हुआ शू या ट्रैक सूट या बैट जो यूज़ किया उसमें आपको कभी लगता था कि ये लकी हो सकता है मेरे लिए ये लकी है मैं इसको दोबारा जरूर यूज करना चाहिए मैं बहुत था मेरे में इस ये डू यू बिलीव इन दिस आई यूज्ड टू बिलीव इट अ लॉट ओके अच्छा क्या था कि मैं एक अगर नया टी शर्ट पहना और उस जी. टी शर्ट पहन के मैं कोई टूर्नामेंट जीत गया जी तो तो लकी फॉर मी वो ट को मैं हर तरीके से प्रिजर्व करूंगा कि इम्पोर्टेंट मैचेस में वही टी शर्ट पहनना है मुझे नॉट ओनली टी शर्ट इट यूज टू बी शूज हो सॉक्स हो ए पर्टिकुलर सेट ऑफ़ ड्रेस से उसको पहन के मतलब आई यूज टू फील कंफर्टेबल uh, कि hmm. मैं आज एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट मैच खेलने जा रहा हूं hmm. और मेरे को यही ड्रेस पहन यही ड्रेस पहनना है ओके <laughs> okay, अच्छा दैट्स अ गुड चलिए बहुत अच्छी बात है लकी की बात जब आपने कही लेकिन यहां पर मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके लाइफ में आपके फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा रहा इज वॉज अराउंड यू टू प्ले एंड वॉट एवर एक्टिविटी बडी वॉज है सपोर्ट फॉर यू ऑल द टाइम राइट लेकिन आपके पापा का आपके फादर का बहुत ज्यादा सपोर्ट बहुत ज्यादा योगदान रहा तो आप पापा की लाइफ को कैसे देखते हैं Uh, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ बैडमिंटन खेला हूँ mm -hmm. जो कुछ भी हूँ मैं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई डैड एंड ऑफकोर्स विद द सपोर्ट ऑफ माई मदर दैट इज करेक्ट ही वॉन्टेड टू चैनलाइज माई इनॉर्मस एनर्जी चाइल्ड एनर्जी इन टू अ प्रॉपर डायरेक्शन सो दैट मतलब एक पॉजिटिव वे में हम चल सके करेक्ट

एडिकुएट मतलब सफिशेंट प्रैक्टिस मेरे को नहीं मिला किसी mm -hmm. दिन वो मेरे को स्टेडियम से ले जाके मालीगाँव ले जाते थे mm -hmm. मालीगाव ले जाके मालीगाँव स्टेडियम में वहाँ, वहाँ में मिस्टर पाल mm -hmm. वहाँ के कोच हैं उनके साथ yeah. मिलके वो फादर और मिस्टर पाल एक साइड में मैं एक साइड में mm -hmm. मेरे को प्रैक्टिस अलग से प्रैक्टिस देना सो मतलब ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड कि मैं मेरे को जितना मिल रहा था स्टेडियम mm -hmm. में वो काफ़ी है ही ऑलवेज वॉन्टेड मोर फॉर मीटर

टू स्टे बैक इन गुवाहाटी सो दट माई प्रैक्टिस इज नॉट डिस्टर फिर वॉज एन इंजीनियर हीटली अफोर्ड कार गुड हाउस सो देर वॉज नो प्रॉब्लम विन दैट इफ यू वॉन्ट इट हीट बट हीज लगजरीज टील द टाइम आई प्लेड ओलिम्पिक्स वी हैड अ स्कूटर माई फादर यूज टू गोनली

पिताजी हैं जी हाँ आपकी एक पत्नी भी है तो आप अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम कैसे बिताना अपने बच्चे के लिए कैसे क्या आप किस तरह से देखते हैं आपके पापा के रेफरेंस में हाँ एक्चुअली ये एक लेगेसी जैसा मैंने पिताजी ने मेरे लिए किया है एक लेगेसी क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली और आज भी मैं जब सोचता हूँ कि मैं अपने बेटे को बैडमिंटन खेलना देखना चाहता हूँ

उसका क्या नैक है आई विल हैव टू जज करेक्ट ठीक है बट एट दिस पॉइंट My, uh, Usko, it is my duty to give him ex exposure to correct, badminton yes, and mm. other sports as well, mm. as well as other activities. Correct, mm. So recently we started going to the stadium, taking mm. him along, mm -hmm. and he seemed to be uh, taking, interesting. In, interesting in the sense that playfulness. Okay. You know, not to put much pressure on him. Mm -hmm, Just uh, I, when say. I throw the shuttle, <laughs> he goes and picks it up. Okay. He finds pleasure in mm. that, mm. and uh, he likes to run around with me okay, uh, yes, around mm. the court. Mm -hmm. So at this point it is like that only, mm -hmm. and I just hope that it continues. That's amazing. And uh, my wife is also supporting me in that. Mm -hmm. She in fact started playing herself. Okay, that's so good. Uh, okay. She she says that you know I am a uh, wife of a badminton player. <laughs> I should also badminton know champion rather. Uh, uh, I should <laughs> also champion. know uh, how to hit the shuttle. Sure, 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 definitely. So yes. she uh, actually she was not as uh, from a sports background. Mm -hmm. She is from Calcutta and hmm. ours was an arranged marriage. Okay. And uh, but she uh, was an ardent fan of cricket before oh, that. अच्छा. But once she got married to me, hmm. she left her allegiance <laughs> for cricket and she became a badminton fan. Okay, that's so good. That's so, it. It happens. ye hota hi hai zindagi mein parivartan changes aate hi हैं. Champion बनने के बाद, इतने सारे events खेलने के बाद, national level में, international level में और Olympics में भी खेलने के बाद, champion बनने के बाद एक इंसान का जो है कि सेटिस्फेक्शन हो जाता है नॉर्मली लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी अधूरी बात कोई ऐसी तमन्ना जो पूरी हुई नहीं हो या दिल में कोई ऐसा मलाल जो अब है आपको लगता है ऐसे कि आपको किसी को एक्सप्रेस करना चाहिए हा दो चीज है जी एक तो यह है कि आप जब आप सोचते हैं कि आपने कुछ अचीव किया है और आपको लगे कि उसका सही रिकोगशन आपको नहीं मिला हो जी। तब थोड़ा मतलब दुख होता है जैसे कि कुछ अवार्ड्स जैसे कि अर्जुन अवार्ड के बारे में मैं बोलूँगा आई थॉट आई डिज़र्व इट बट आई डिड नॉट गेट इट पर उससे भी ज़्यादा अब मैं जो कर रहा हूँ आई मीन आई एम ओके मेरे ख्याल से मेरे लाइफ के हिसाब से my I became an Olympian mm -hmm. and for that I got a very good job mm -hmm. in a very good corporation mm -hmm. Indian Oil Corporation Limited is which is a fortune 500 company and I am well placed also. So does th is that sufficient a uh, Olympian for me uh, it is ok my uh, if I the day I retire I will retire as a deputy general manager probably. Mm -hmm. बट इज़ दैट वॉट वी वॉन्ट इज़ दैट व्हाट वी वॉन्ट मैं इतना ओलम्पिक खेलने के बाद जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज मैंने अटेन किया है mm -hmm. वो मैं नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहता हूँ mm -hmm. वो अगर मेरे साथ रह जाए और मेरे साथ चला जाए सो दैट इज नॉट गोइंग टू डू दैट इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू वट आई हैव डन सो मैं यही चाहता हूँ कि मैंने जितना भी सीखा है जो कुछ भी सीखा है mm -hmm. ये मैं सोसाइटी को देना चाहता हूँ एक अपना एकेडमी करना चाहता हूँ और विद द सपोर्ट ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज वही मेरे लिए सबसे बड़ा फेलिसिटेशन होगा सबसे बड़ा सपना होगा जो पूरा करना चाहते हैं हाँ

आपकी जिंदगी में भी शायद गाने बहुत ज़्यादा आपको पसंद हैं जी एक्चुअली क्या आ, हम लोग जब आ, आ, कोचिंग कैंप्स में रहते थे तो रिलैक्सेशन हाँ. करते थे या कभी कभार अगर आ, कुछ गेट टुगेदर वगैरह होता था तब गाना तो गाना गाना या गाना सुनना गाने के साथ डांस करना ये सब तो एक पार्ट हो जाता है तो uh, मेरे को किशोर कुमार जी का तो गाना okay. बहुत ज़्यादा पसंद है। मूवीज़ yes. yeah, okay. <laughs> okay. uh, भी मैं रियलिस्टिक मूवीज ज़्यादा पसंद करता okay. हूँ मैं uh, और uh, 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 ऐसे भी जैसे रिसेंटली uh,

कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना राह में दिलवर बिछर जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की एड हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी नहीं कहेंगे अलविदा ये वादा रहा प्रॉमिस रहा आपसे और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी कभी बैडमिंटन को अलविदा मत कहिए चाहे ऐसे चाहे वैसे चाहे जैसे भी बैडमिंटन के साथ जुड़े रहिए हमेशा क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये बैडमिंटन थैंक यू सो मच दीपांकर जी, so जी हमसे बातें करने के लिए थैंक यू सो मच सर हमारे शो पर हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तो दोस्तों दीपांकर जी से हमने बातें की दूसरे एपिसोड में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में जाना उनकी जिंदगी के बारे में जाना ऐसे ही और बहुत सारे अचीवर्स हमारे आसपास की दुनिया में हम देखते हैं हम ऐसे ही किसी और अचीवर्स से आपको जरूर मिलाएंगे लेकिन अगले हफ्ते तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच देखने के लिए अचीवर्स टेक केयर बाय बाय नमस्कार